प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इस इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, जो कि आज एक्सपोज करेंगी कैसे चुनाव जीतने के लिए ओवैसी चुनावों में धोखाधड़ी कर रहा है, यानी रशीदा को राशिद बना रहा है और नगमा को नाजिम। तो ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंदर कौन है तो बड़ा सवाल है। और फिर बुर्का उठाकर अगर देखा जाओ तो उसको शरिया से जोड़ लेते हैं, अधिकारों का हनन है। ये कौन सा हनन है? आप लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालने जा रहे हैं, तो आप वोट डालने वाले हैं भी या नहीं, ये तो पता चलना चाहिए। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को ये पुख्ता करना चाहिए नाजिया जी, कि जहां पर मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम बहुल इलाके, वहां पर तो ये पक्का होना चाहिए। नहीं अंजू जी, शरिया के हिसाब से भी मैं तो आपको सही अल-बुखारी बता रही हूँ, मैं तो आपको हदीस बता रही हूँ, मैं आपको अल-कुरान बता रही हूँ कि जब मुसलमान महिलाएं अहरम के वक्त में जब हज में तवाफ करती हैं तो चेहरा नहीं छुपा, ये नाक से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वजू ही नहीं होगा। आप हज और उमरा की कुछ मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे ही रिलेटिव्स की हैं, कहीं और की नहीं है, और उन्होंने हज के दौरान खींचा है, तो मैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा। ये मक्का मदीना है, हाँ ये दिख रहा, बिल्कुल है ना। अब ये महिलाएं हैं, क्या इनके चेहरे पर हिजाब है? नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं। अब मैं आपको अबाया पहन रखा है, जो भी आप कहते हैं उसको, पर चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ दिख रहा है चेहरे में तो। हाँ बिल्कुल नहीं है, चेहरा ढका हुआ नहीं है, ऐसे ही वोट डालने भी तो जा सकते हैं। ये देखिए चेहरा ढका हुआ नहीं है, नहीं तो नाजिया जी वोट डालने भी तो ऐसे जा सकते हैं, ऐसे में कौन से आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा या कोई नाराज हो जाएगा? तो आपको मैं वही बता रही हूँ कि ना संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ना इस्लामिक अधिकारों का हनन हो रहा है चेहरा हटाने से, दोनों में से दोनों किसी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। इस्लाम के तरीके से आपको तवाफ करते वक्त नाक से ढकना नहीं है, नहीं तो आपका वजू नहीं होगा। एहराम के वक्त में आपको अपना चेहरा खुला रखना है, और मैंने आपको सबूत दे दिया है, और आप जितने भी पूरे के पूरे वीडियोस को निकाल करके देखिए, और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डाल करके मैं पूछ रही हूँ कि उसकी बीवी जब गई थी हज करने के लिए तो क्या चेहरा ढक के गई थी? तवाफ के वक्त में चेहरा ढकी थी? अरे ढकी नहीं सकते, नहीं तो होगा ही नहीं हज। अरे बेवकूफ अवैसी उसको बनाएगा जिसने अल कुरान नहीं पढ़ा है, जो मुसलमानों के सूम सलावात को नहीं जानता है, मुझे तो नहीं बना सकता ना बेवकूफ। मेरे घर से, मेरे खानदान से हर साल 10 महिलाएं और 20 मर्द तो जाते ही हैं हज करने के लिए, पर ना ही संवैधानिक हनन हो रहा था और ना ही इस्लामिक हनन हो रहा था। ये देखिए भारत के मुसलमान चिटिंगबाज मुसलमान तो है, जाली मुसलमान तो है ही है, बहरूपिया मुसलमान तो है ही है, ये अल कुरान पे तो चलते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अल कुरान पे नहीं चलते। इन्होंने इस्लाम को अपना एक जस्टिफिकेशन का जरिया बनाया है अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपनी अश्लीलता को मचाने के लिए, और अवैसी जैसे लोग अपनी गद्दी को बचाने के लिए, बस यही चल रहा है। अच्छा आप वहां पर गई तो कहीं किसी मोड पर आमना सामना हुआ ओवैसी साहब से या नहीं, क्योंकि आप हैदराबाद गई थी और ओवैसी साहब तो आपके, आप उनको कितना टारगेट करते हैं उनकी शेरवानी को, और वो भी कहीं ना कहीं आपका जिक्र कर देते हैं गाहे बगाहे, तो कहीं ऐसा मौका मिला क्या? हाँ मैं तकरीबन 8 बजे के करीब मैं चार मीनार दोबारा गई थी 8 तारीख को रात में, तो वहां पर काफी लोग UPI वगैरह यूज कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों से बात भी किया है और तस्वीरें भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो भाई आप UPI यूज कर रहे हैं, डिजिटल भारत यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ही, उन मौलवियों ने ही मुझे बताया, काफी सेल्फी वगैरह वो लोग लेने लगे, और फिर उन्होंने ही बताया कि अवैसी साहब अभी तुरंत उस गली से निकल रहे हैं। मैंने कहा निकलने दो, रजाकार है, निकलने दो, मैं थोड़ी डरने वाली हूँ।
पर इस बार आप जब वहां गई और माधवी लता जी का तो वहां पर सिक्का चल रहा है, देखो उन्होंने तो जड़े हिला दिए ओबीसी की, तो जो वोटिंग हुई है उसको देखकर, उसके आंकड़े को देखकर आपको क्या लगता है, और वहां का माहौल जो आपने देखा है उसमें आपको क्या लगता है, क्या इस बार उखड़ जाएंगे ओवैसी? देखिए अंजु जी, जिस हिसाब से ओवैसी ने वोट की चिटिंगबाजी की है, जिस हिसाब से ओवैसी ने अपने रजाकार दिमाग को दोबारा चलाया है, जिस हिसाब से ओवैसी ने अपने पिता के की बातों को दोहराया है, इवन मैं चाहती भी हूं कि मैं आपके दर्शकों को एक बार उनके उनके पिता की स्पीच सुनाऊं, क्योंकि मुझे देने वाला भी मुसलमान ही है और वो भी हैदराबाद में ही दिया है, कि देखिए हिंदुओं के बारे में ओवैसी के पिता क्या बोला करते थे, सुनाइए इसी से सुनते हैं। हम दर्द से घबराते हैं, आज हम उन लोगों से घबराते हैं जो कभी हमारी चौखट की गर्द चाटते थे, आज वो उनसे हम डरते हैं। अरे क्यों डरे हम, क्यों घबराए हम, उनसे कौन है वो? अरे हमने इस मुल्क के ऊपर हजार बरस तक जहां बानी और हुक्मरानी की, इसके तप्पे तप्पे के ऊपर हमारी अजमत के निशान है। आज हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें। इदारुल कलाम के ऊपर ये किसका, कौन चप्पल चाटता था रजाकारों का? आपने सुना, आप लोग हिंदू रजाकारों का चप्पल चाटते थे, और हजारों साल तक भारत पर हुक्मरानी रजाकारों ने किया है, ये उनके पिता की स्पीच है। और ये मुझे किसने दिया है? हैदराबाद के चार मीनार के मुसलमान ने ही दिया है, जो बहुत रेयरेस्ट है, नॉर्मली लोगों को मिलता नहीं है, नॉर्मली ये दिखता भी नहीं है, क्योंकि जैसे तस्लीमा नसरीन का को मारते वक्त ओवैसी ने वो वीडियो उड़वा दिया, तस्लीमा नसरीन को गालियां देते वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी का उसने वीडियो गूगल से भी उड़वा दिया, खत्म वैनिश करवा दिया। उसी तरीके से अपने अब्बू जान की बहुत सारी तकरीरों को, मुझे ऐसा लगता है कि 99% तकरीरों को असदुद्दीन ओवैसी ने गूगल से वैनिश करवा दिया है। ये एक स्पीच है असदुद्दीन ओवैसी के अब्बू जान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू रजाकारों का तलवा चाटते थे, और हजारों साल तक ओवैसी और ओवैसी के बाप दादाओं ने भारत पर हुक्मरानी की है, इंटेंशनली हैदराबाद के मुसलमान ने मुझे दिया है। और जो आलम लहजा देखे, लहजा बिल्कुल वही है जो असदुद्दीन बोलते हैं और उनका भाई बोलता है, बिल्कुल वही लहजा है। 15 मिनट दे दो तो हम ये कर देंगे। पर इस बार डरे हुए, मैंने डर देखा अपनी नजरों से देखा, क्योंकि ओवैसी तो औरत से घिन करता है, ओवैसी तो औरत से नफरत करता है, वो तो पैर का जूता समझता है। क्या जरूरत पड़ी कि वोट करने के लिए बेटियों के साथ गया? क्या जरूरत पड़ी कि कंपेनिंग के वक्त में पीछे में महिलाएं रख रहा था हिजाबन? क्या जरूरत पड़ी कि कुछ महिलाओं से मंच पे चढ़वा करके स्पीच भी करवाया? क्या जरूरत पड़ी? तो डरा हुआ तो है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक मुझे संभावना नजर आती है कि माधवी लता जी जीत सकती हैं। एक संभावना मुझे नजर आती है, क्योंकि जितनी मुसलमान बेटियों से मैं मिली हूं, किसी के शौहर ने लव जिहाद कर लिया उसको छोड़ करके, किसी ने चार चार शादी कर ली है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई किसी का शौहर बाहर से औरत लेकर के आता है, किसी का हलाला हुआ है, किसी का मसियार हुआ है, किसी ने 11-11 बच्चे पैदा करवा दिया है, किसी का किडनी फेल है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी का ऑर्गन ट्रैफिकिंग हुआ है, गरीबी के आलम में शौहर ने एक बीवी का एक किडनी निकलवा करके बेच दिया है, ये भी हुआ है। तो मुस्लिम महिलाओं का एक अट्रैक्शन मैंने माधवी लता जी की तरफ देखा, जो मैंने खुद देखा है, मैं खुद मुस्लिम महिलाओं से मिलकर के आई हूँ और लाखों मुसलमान महिलाओं से मैं मिली, तो एक मुसलमान महिलाओं का अट्रैक्शन मैंने माधवी लता जी की तरफ देखा है। अब मुझे लगता है कि अगर साइलेंट वोटिंग उन्होंने कर दी है तो जीत तो 2000% माधवी लता जी की है। तो इस बार मतलब कि ओवैसी जी की नींद वोटिंग के साथ ही उड़ चुकी है, इसीलिए जगह जगह घूम रहे थे। लेकिन चलिए, आप क्योंकि वहां पर जाकर आई हैं, सब लोगों से मिली हैं, काफी दिन आपने वहां गुजारे हैं, माधवी जी के साथ आपने कैंपेनिंग की है, और
आप खासतौर पर हैदराबाद की महिलाओं से मिली हैं और महिलाओं के बारे में तो ये मानकर ही चलते हैं हम कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं नाजिया जी, वो तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ ही नजर आती हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत कुछ किया गया है और हो सकता है उसका नतीजा हमको हैदराबाद में देखने को मिले और हैदराबाद में कोई चमत्कार हो जाए और रजाकार इस बार धूल चाटते नजर आए। तो आपने इस मामले पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। आभारी हूँ मैं अंजू जी कि आपने मेरी इस कंपेनिंग का को बहुत महत्वपूर्ण समझा और आपने मुझे इतना समय दिया कि मैं जीरो ग्राउंड के बारे में दर्शकों के सामने बात को रख पाई। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंजू पंकज जी और नाजिया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, नाजिया खान जी ने ना सिर्फ ओवीसी को एक्सपोज किया बल्कि उनके अबू जान जो हिंदुओं के बारे में ये कहा करते थे कि हिंदू तो रजाकार के चेले हैं, उनकी चाटते हैं, उनको भी एक्सपोज किया। और आपने देखा ओवीसी कितनी हद तक गिर चुका है कि चुनाव जीतने के लिए वो कैसे बुरखे के पीछे लड़कों को भेज रहा है और 16 साल की लड़कियों से बंद कमरे में वोटिंग करवा रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारा जो सपोर्ट है वो माधवी लता जी के साथ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि माधवी लता जी चुनाव जीते क्योंकि हम जानते हैं इस बार ओवैसी जो है काफी ज्यादा परेशान भी है और काफी ज्यादा घबराया भी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।